never made it, but I know I didn't take some motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Hey foodies, welcome to Ashima's Kitchen. Cover photo देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं. You got it right, lollipops. और ये हम बनाने जा रहे हैं the king of vegetables, potatoes के साथ. आलू लगभग देश के हर कोने में बहुत ही easily और बहुत ही सस्ता मिल जाता है. और इस रेसिपी में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे easily available होते हैं. तो मार्केट जाने का कोई झंझट ही नहीं. बहुत लोग इसे घर पे बनाने का ट्राई करते हैं, पर एक चीज की कमी हमेशा रह जाती है, इनकी क्रंचीनेस. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके पोटैटो लॉलीपॉप्स हमेशा चटपटे और सुपर क्रिस्पी बनेंगे. सो स्टे विद मी टिल द एंड. और अगर आपने आशिमास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. So what can be a better snack for a party than potato lollipops? तो आओ चलो बनाते हैं. Potato lollipops बनाने के लिए मैंने लिए 4 to 5 potatoes. इनको मैंने boil कर लिया है. अब मैं इनको grate करूँगी. आप इसको fork के साथ crush भी कर सकते हैं. तो मैं आपको पहली trick बता देती हूँ. जब आप potatoes को boil करेंगे तो इसको cool down करने के लिए आपको 10-15 minutes के लिए रखना पड़ेगा. अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो आपके potato में moisture रह जाएगा और आपका जो मिक्सचर है वो गीला गीला बनेगा. अब हम बनाएंगे अपने ब्रेड क्रम्स. ब्रेड क्रम्स को आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इसको घर पे भी बना सकते हैं. मैं ब्रेड क्रम्स आपको बनाना सिखाऊंगी. और ब्रेड क्रम्स के लिए है हमारी टिप नंबर 2. ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए ब्रेड को तवे पे अच्छे से टोस्ट कर लें. इसके लिए आप टोस्टर भी यूज कर सकते हैं. एंड लेट इट कूल फॉर 5 to 7 मिनट्स. इनसे इनका मॉइस्चर निकल जाएगा और फिर इसको मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे. इससे आपके ब्रेड क्रम्स बहुत कुरकुरे बनेंगे. उबले हुए आलूओं के अंदर अब हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, चॉप्ड कोरिएंडर. अंदर फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा सा खटास के लिए लेमन जूस. और इसमें मिक्स करेंगे 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स. अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से अपने हाथों से मिला लूंगी ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसमें डाले हैं आपस में मिक्स हो जाएं. मिक्स होने के बाद हमारा मिक्सचर एक डो की शेप ले लेगा. मिक्सचर हमारा बनके तैयार है. इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आई है. अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे. बॉल्स को हमें लेमन के साइज का बनाना है. और अगर ये मिक्सचर आपके हाथ पे चिपक रहा है तो अपने हाथों के ऊपर आप ऑयल की ग्रीसिंग भी कर सकते हैं. अपनी बॉल्स को हमने इस साइज का और ऐसे राउंड शेप में बनाना है. बॉल्स हमारी बनके रेडी हैं. अब हम इनकी कोटिंग की प्रिपरेशन करते हैं. लॉलीपॉप्स की कोटिंग के लिए हम बनाएंगे स्लरी. उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1/2 कप मैदा. उसके अंदर मैं ऐड करूंगी पानी. पानी को हमें धीरे धीरे डालना है और इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है. इसको लगातार मिक्स करते रहें ताकि हमारी स्लरी के अंदर लम्स ना आए. मैदा हमारा अच्छे से घुल चुका है. इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे लिक्विडी होनी चाहिए. अपनी पोटैटो बॉल्स को अब हम स्लरी में डिप करेंगे ताकि मैदे की इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाए. जो स्लरी है ये एक बाइंडर की तरह एक्ट करती है ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए. हमारी पोटैटो बॉल्स के ऊपर स्लरी की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग काफी अच्छे से आ गई है. अब इनको फ्राई करने से पहले आती है हमारी टिप नंबर 3. वी विल रेफ्रिजरेट आवर पोटैटो बॉल्स फॉर 15 मिनट्स. जिससे कि क्या होगा, इसके ब्रेड क्रम्स इसके साथ अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और हमारी पोटैटो लॉलीपॉप्स काफी क्रंची बनेंगी. तो आइए इनको रेफ्रिजरेट कर देते हैं. पैन में ऑयल डालकर हमने उसको हाई फ्लेम पे रख लिया है.
अब हम चेक करेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। उसके लिए हम उसके अंदर एक टूथपिक डिप करेंगे। अगर टूथपिक में से बबल्स आएंगे मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ गाइस, टिप नंबर 4, हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी उबले हुए थे, तो हमें बस ऊपर की कोटिंग को गोल्डन ब्राउन करना है। इससे हमारे पोटैटो बॉल्स ऑयल को सोकेंगे भी कम। नाउ गाइस, टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, बॉल्स को गर्म तेल में डालने के बाद इमिडिएटली स्टिर नहीं करना है, नहीं तो उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर काफी अच्छा है, अब इनको निकाल लेते हैं। पोटैटो बॉल्स हमारी फ्राई हो चुकी है, इनका कलर काफी अच्छा आया है, अब हम इनको डेकोरेट करके सर्व करते हैं। पोटैटो लॉलीपॉप्स हमारी बनके तैयार है, उनका कलर बहुत अच्छा आया है, तो चलिए हम इनको ट्राई करते हैं कि ये बने कैसे हैं। बाहर से क्रंची, अंदर से सुपर सॉफ्ट, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बने और इनके फ्लेवर्स जब मुंह में जा रहे हैं तो ये बर्स्ट हो रहे हैं। गाइस, यू शुड ट्राई दिस, आई कांट वेट टू ईट देम ऑल। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मेरे बताए टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान जरूर रखें। एंड अगर आप मेरी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, गो चेक देम आउट, मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस आर कमिंग अप। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल आशिमास किचन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन। सी या।